बॉम्ब जय, घर पे एक सांप घुसा है, आप लोगों ने देखा उसे? भाई सांप किधर? हो सकता है कोई जानबूझकर सांप लेकर आया हो इस घर में हम सबको डसने के लिए। मॉम, ये फिजूल की बातों का वक्त नहीं है मेरे पास। घर में सांप घुसा है, उसको ढूंढना है जल्द से जल्द हमें। जय एक काम करते हैं, हम सारे रूम की तलाशी लेते हैं, हो सकता है किसी ना किसी रूम में वो सांप जरूर होगा। लिसन, सबसे पहले रानी के रूम से स्टार्ट करेंगे, ओके? चलिए भाई। रानी रुको, रानी दरवाजा खोलो, दरवाजा मत बंद करो। रानी क्या कर रही हो? क्या कर रहे हो? रानी अंदर सांप है, दरवाजा खोलो। सांप अब कोई नहीं है मेरे कमरे में, जाओ मुझे मुझे चेंज करने को भी जाओ। अरे रानी चेंज बाद में भी कर सकती हो, तुम हटो यहां से। क्या कर रहे हो तुम? मेरे कमरे में कोई सांप नहीं है यहाँ पर। जय उधर देखो। और कबीर, कबर की तरफ क्यों जा रहे हो? रानी हो सकता है तुमने कबर्ड खुली छोड़ दी हो, सांप अंदर घुस गया हो, एक बार चेक कर ले तो। मैंने अपनी कबर्ड खुली नहीं छोड़ी है और ना ही इसके अंदर सांप है। तुम दूसरे कमरे जाके चेक करो। भाई को एक बार देखने दो ना, और वैसे भी तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रहे हैं। ओहो, मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मेरे कबर्ड के अंदर सांप नहीं है और ना ही मैंने कबर्ड खुली छोड़ी है। तुम हाइपर क्यों हो रही हो यार, एक बार चेक करने दो, तसल्ली हो जाएगी मुझे। मैं अपना कबर्ड छूने नहीं दूंगी, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? रानी तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे पैसे पूजा ने नहीं तुमने चुराए हो। मैं पैसे? कौन से पैसे? क्या बकवास किए जा रहे हो? What rubbish तुम कह क्या रहे हो? Okay, hold on. Relax. मजाक कर रहा हूँ। एक बार चेक कर लेता हूँ, मुझे तसल्ली हो जाएगी। हटो। कभी मेरी बात रानी हटो। कुछ भी नहीं। तुम्हारी? मुझे दुनिया वाओ ये यहाँ पे क्या कर रहा है? तुम्हें क्या करती? ये कब से मेरे पीछे पड़ा हुआ था? इसने मुझे प्रपोज किया और जब मैंने मना किया ये तो मेरे तब से पीछे ही पड़ने लग गया, यहाँ तक कि कमरे में भी आ गया छुप छुप के। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती तुम लोग अंदर आ गए। मैं डर गई थी इसलिए मैंने इसको कबर्ड में छुपाया। इसीलिए तुम ये कबर्ड नहीं खोलने दे रही थी ना? चल मैं पिला। पैसे वो है वो। जय काम पे, इसको घर लेके जाओ, होश आएगा ना तो उसकी क्लास लेता हूँ। मुझे पीने का शौक। पर ये किसी ने नहीं सोचा था कि रानी के कबर्ड से पैसे नहीं रंजीत निकलेगा। हाँ मैं भी वही सोच रहा था, कबर्ड में पैसे मिलने चाहिए थे। ये रंजीत पता नहीं क्यों रानी के पीछे हाथ धो के पड़ गया है। मुझे तो रानी की टेंशन हो रही है। कामा का टेंशन ले रही है, मैं रानी की फिक्र हो रही है। और दूसरी तरफ रानी है जो तुम्हारी लाइफ पर बात करने पे तुली हुई है। कबीर बहन है वो मेरी, बहुत प्यार करती हूँ उससे, और वो चाहे जो भी करे मैं हमेशा उससे प्यार करती रहूंगी। डोंट वरी, रानी को कुछ नहीं होगा, बहुत स्मार्ट है रानी। और रानी को पता है कि रंजीत उसके पीछे है तो सिर्फ पैसों की वजह से, क्योंकि वो जानता है कि अगर हमारा डाइवोर्स हुआ तो आधे पैसे तुम्हें मिलेंगे और बाकी का शेयर रानी का। मुझे तुम्हें याद है बेहोश होने से पहले रंजीत ने क्या बोला था? पैसे। इसका मतलब उसे आइडिया होगा कि पैसे कहाँ हैं। हो सकता है उसने रानी की हेल्प की वो पैसे छुपाने में। सुनो, अब मुझे लगता है कि रंजीत से हमें पूछताछ करनी पड़ेगी। मैं कार में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ मेन रोड के पास। मारना मत, मारना मत। मैं रानी को भूल जाऊंगा, उसके आगे पीछे भटकूंगा भी नहीं, आई प्रॉमिस। जो बोला है ना उस बात को याद रखना, वरना वो बात मैं तुझे बार बार याद दिलाऊंगी। याद रहेगा मुझे। पूजा का थप्पड़ याद रखना जरूरी है। बिना थप्पड़ मारे भी पूछते तो यही कहता, इस थप्पड़ की गूंज हमेशा याद रहेगी। अच्छा, नीचे कर, नीचे कर। कबीर को उल्टा जवाब देगा? नहीं दूंगा।
कबीर के सवालों का जवाब नहीं देगा। अब क्या किया मैं? अब साफ साफ बता, पैसे हैं कहाँ? क्योंकि जब तू बेहोश हुआ था ना, तेरे मुंह से एक चीज तूने बोली थी, पैसे। अब शराफत से बता, हैं कहाँ पे वो पैसे? देखो मैं ना कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे पैसे के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैंने रानी को बोलते हुए सुना था कुछ कब्बर कुछ पैसा, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। पता नहीं पूजा ने पैसे कहां छुपा के रखे। फैक्ट्री लेके गया था मैं मैडम को ये चेक करने कि मैडम ने फैक्ट्री में तो पैसे नहीं छुपाए हैं, लेकिन नहीं, वहां पे भी पैसे नहीं है। अब जाओ अपने रूम में जाओ और एक नया प्लान बनाओ, क्योंकि पैसे तो मैं तुमसे निकलवा के रहूंगा। बहुत शातिर रहे लड़की, जाके रानी के कबर्ड में चेक कराओ, आई एम श्योर पैसे वहीं पे होंगे। जल्दी जाओ। अब जाओ यहां से, खड़ी क्यों? का मतलब रानी ने पैसे कहीं और छुपाए, कहीं और रख दिए। कबीर कबीर जल्दी आ, कबीर पैसे मिल गए हैं, जल्दी आ कबीर पैसे मिल गए हैं। देख कबीर देख, ये पूजा ने पैसे यहाँ छुपाए हैं अपने बिस्तर के नीचे। ये इसे क्या लगा था कि हमें तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये चोरी करके उसे अपने ही कमरे में रख देगी। तो भला और रानी का, जिसे गलती से ये सारे पैसे दिख गए। सही टाइम पे पैसे अपनी कबर्ड से दी के कमरे में शिफ्ट कर दिया तूने रानी, अब तो फंस गई ना, सारे सबूत उनके खिलाफ है। अब क्या करेगी बेचारी पूजा दी? ये पैसे यहाँ थे, मुझे कोई आइडिया नहीं है। पता था मुझे, अरे इसके अलावा तू और कह ही क्या सकती है। और कबीर अब तुझे कुछ और कहना बाकी है? सब कह रहे थे कि आपने किया है, पर मैं बेवकूफ मान ही नहीं रही थी, क्योंकि मुझे अपनी बड़ी बहन पे भरोसा था। पर आपने क्या किया, एक बार फिर मेरे भरोसे को तोड़ दिया। देखिए आप मां इनको, मैंने अपनी बड़ी बहन पे कितना भरोसा किया था, पर ये तो भरोसे के लायक है ही नहीं। अरे मैं सच कह रही हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं था पैसे यहाँ हैं। बात करो। मॉम होल्ड ऑन प्लीज। बस भाई बस, अरे कुछ तो शर्म कीजिए। और इस पूजा ने आपकी आंखों में ऐसा क्या जादू कर दिया कि आप अंधे हो गए हो? जय कबीर, अगर तुझ में जरा सी भी शर्म हो और अपनी माँ के लिए तेरे मन में जरा भी इज्जत बाकी है ना, तो छोड़ दे इस औरत को।
तुमने किया ना ये सब, पैसे तुमने चुराए ना रानी। कबीर कैसी बातें कर रहे हो, मैं और पैसे चुराऊंगी? ड्रामा बस करो ये नाटक, कब तक करोगी तुम? रानी तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती, तुम ही चाहती ना कि फैमिली पूजा के खिलाफ हो जाए। कबीर तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये सब बिल्कुल झूठ है, मैं ऐसा क्यों करूंगी कबीर? और वैसे भी तुम्हारे पास सबूत क्या है? सबूत? तुम्हें क्या लगता है रानी, मेरे पास सबूत होता तो मैं यहाँ पे खड़े होकर तुमसे बात कर रहा होता? तो अभी तक घसीट की जेल में फेंक दिया होता मैंने तुम्हें। कबीर तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हो, इतनी बुरी नहीं हो कबीर, इतनी नफरत क्यों करते हो कबीर? क्योंकि रानी तुम इसी लायक हो, और जिस दिन रानी मुझे सबूत मिल गया ना, आज तो मेरे पास नहीं है, जिस दिन मिल गया उस दिन दुनिया में कोई कोना नहीं मिलेगा छपने के लिए तुम्हें, याद रखना। कबीर मेरी बात तो सुनो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कबीर, तुम्हारी नफरत को मैं प्यार में बदल के रहूंगी। I'm sorry, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, ये रहे आपके पैसे, बस इसमें पूजा की गलती नहीं है कोई, गलती से आपके पास दूसरा बैग चला गया, आप ये रख सकते हैं। थैंक यू। कबीर ये तो क्या कर रहा है, उस लड़की को जेल भिजवाने के बजाय तो उसकी मदद कर रहा है, इसका मतलब पूरे परिवार के सामने झूठ बोल रहा था, तू नहीं मानता कि पूजा ने वो पैसे चुराए थे? कबीर अब इसके आगे मैं और क्या बोलूं तुझे, भगवान के लिए अब तू तलाक के लिए ना मत बोलना। नहीं बोलूंगा मॉम, नहीं बोलूंगा उसके लिए मैं, आपको हमारा डाइवोर्स देखना है ना, ठीक है डाइवोर्स भी दे दूंगा मैं, ठीक है खुश? अरे हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, ना पूजा मुझसे करती ना ना मैं पूजा से करता हूं, तसल्ली मिल गई आपको? बस स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।